नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो युवा की बात युवाओं के साथ में। मैं हूं आपके साथ मान यादव। हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं होता और आज हमारे साथ ऐसे ही दो हुनरबाज ईशा भंडारी और शुभम रानी मौजूद हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं उनके पास। ईशा, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। हाय, आई एम ईशा भंडारी। आई एम स्टडिंग इन 11th क्लास इन स्कूल SKV सी ब्लॉक जनकपुरी। आई एम सॉफ्टबॉल प्लेयर एट इंटरनेशनल लेवल। शुभम, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। हाय, दिस इज शुभम एंड आई परसुइंग बीए प्रोग्राम फ्रॉम जीटी सेंट मैरी कॉलेज। आई एम एन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ सॉफ्टबॉल। आई रिप्रेजेंट 5 times इंडिया। सबसे पहले तो हम आप दोनों से यही जानना चाहेंगे कि सॉफ्टबॉल है क्या, इस बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। सॉफ्टबॉल इंडिया में बेसिकली इतना फेमस नहीं है, ये बाहर का गेम है, अमेरिका का। तो इसमें 9 players होते हैं प्लेइंग में, 2 teams होती हैं 9-9 की, और उनका कंपटीशन होता है आपस में। एक टीम फील्ड करती है और एक टाइम बैटिंग करती है एक ही टाइम पे, और ये इनिंग पर होता है, ये टाइम बेस्ड नहीं होता। बेसिकली सॉफ्टबॉल इज़ अ वेरिएंट ऑफ बेसबॉल। हम पहले इसको इंडोर बेसबॉल गेम कहा जाता था, बट चिकागो 1887 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी एंड देन ये धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत अब इंडिया में बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे इसको और बढ़ाना। ईशा, किस उम्र में आपको सॉफ्टबॉल के बारे में पता चला और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा शुरू से ही पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो पापा ने पहले ही मेरी स्पोर्ट्स टीचर कामनी गुलेरिया मैम को बताया था कि इसको स्पोर्ट्स में डालना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पोसंगीपुर में एक जगह है, वहाँ पर खेलने जाओ, वो नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। मुझे नहीं पता था मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेल लूँगी। वहाँ पर खेलने जाओ, अगर गेम अच्छा लगे तो उसे कंटिन्यू रखना। तो अच्छा लगा, वो कंटिन्यू चला और आगे खेलने गई मैं। अगर बात करें भारत की, तो टेनिस, क्रिकेट और कुश्ती जैसे खेलों में भी लड़कियां पीछे नहीं हैं, तो आप दोनों ने एज अ करियर सॉफ्टबॉल को ही क्यों चुना? बेसिकली मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही हूँ एंड मैं बचपन से ही थोड़ा उछल कूद में ज़्यादा रही थी, मतलब घर पर बैठना मुझे पसंद नहीं था। सो 5th class में मैंने अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया रेस में। सो वहाँ पर थोड़ा फास्ट थी, बहुत डीप, मतलब बहुत गैप था, जो मैं बहुत आगे निकल गई थी और बाकी लोग पीछे थे। तो मैम जो थी वो बहुत अट्रैक्ट हुई थी मेरे साइड कि हाँ, इसमें थोड़ा है, एनर्जी है, फास्ट है। तो 6th class में मैम ने मुझे बोला रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहाँ पे आई वाज इन 6th class दैट मैंने देखा कि बहुत सारी सीनियर्स वहाँ पे खेल रही थी यही सॉफ्टबॉल बेसबॉल गेम, वहाँ पे ऐसे मैच चल रहा था थोड़ा सा। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा कि हाँ, इसमें भी रनिंग वगैरह होती है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला कि दीदी आई वांट टू प्ले। सो उन्होंने फिर बोला, थोड़ा बहुत खेलने के लिए बोला। सो उस दिन मुझे इतना बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, आज मैं कुछ खेल के आई। तो उस दिन से ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था सॉफ्टबॉल में। सो उसके बाद से फिर हमारे मैं जोन में मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर धीरे धीरे इंटर जोन, फिर इंटर जोन में अनूप सर, हमारे अनूप सर हैं, हमारे बहुत बहुत प्यारे कोच हैं, हमारे बहुत बहुत हमारे हेड है एक तरह से। तो उन्होंने इंटर जोन में मुझे देखा कि मैं कैचिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने हमारे मैम को बोला, हमारे स्कूल के टीचर को बोला कि ये बच्चे मुझे ग्राउंड पे चाहिए, इनको ग्राउंड पे भेजो, हम इनको नेशनल लेवल पे पहुंचाएंगे। सो वहीं से बस जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर धीरे 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 नेशनल एंड इंटरनेशनल्स। अच्छी थी जर्नी मेरी बहुत। इतनी कम उम्र में आप दोनों ने इतना कुछ हासिल किया है, तो कैसा लगता है, मतलब कैसा महसूस होता है आप दोनों को? अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि एक गेम के वजह से हम इतनी जगह जाने को मिलता है। मतलब अगर हम बाहर जाते हैं तो ये नहीं वहाँ पे बस गेम, हमें घूमने का भी टाइम मिलता है। ये नहीं कि बस जा रहे हैं तो वहाँ गेम खेलेंगे और बैग पैक किया और वापस आ गए। वहाँ जाते हैं, खेलते हैं, खेलने के टाइम पे खेलते हैं और घूमने के टाइम पे घूमते हैं। नेशनल की बात करें तो दूसरे स्टेट में बाकी बच्चे होते हैं, इतनी सी एज में कहीं नहीं जाते, मतलब उन्होंने ट्रेन को कभी देखा भी नहीं होता। हम लोग जाते हैं दूसरे स्टेट से, उनकी लैंग्वेज सीखने का हमें मौका मिलता है, वो लोग कैसे रहते हैं। जैसे केरला में बहुत बहुत सफाई है, हमें बहुत सीखने को मिला कि वहाँ के लोगों का वे ऑफ टॉकिंग। एंड US में और चाइना वगैरह जहाँ पर हम लोग गए, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर लोग बहुत कामली सब चीज़ करते हैं। यहाँ पर इंडिया में थोड़ा रश है, सब है, तो एक होता है हर चीज़ सीखने को मिलती है, वो हम यहाँ पे आके बता सके लोगों को कि हाँ, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, हमने वहाँ के लोगों को देखा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे रहते हैं। तो वहाँ का रहन सहन ऐसा हम लोग जानते हैं, जैसे फॉरेन में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पोलाइटली रहते हैं वहाँ के लोग, तो
हम चाहेंगे कि यहाँ से इंडिया के लोग भी ऐसे बने, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि हमें बाहर जाके बहुत सी नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है। जैसे फ्लोरिडा में क्लियर वाटर में बीच देखा हमने, नहीं देखा हो कहीं, बहुत से बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो वो हम आके बताते कि हाँ यार ये जगह इतनी सुंदर है, ये है वो है, हम लोग यहाँ गए वहाँ गए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और इससे हमें एक बेनिफिट और होता है कि जैसे हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हमें दूसरे जो स्टेट के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलता है, तो उनका भी पता चलता है कि हमें कि हाँ यार इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में ये है, तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ये थे हमारे साथ ईशा भंडारी और शुभम रानी, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी मेहनत और अपने खेल के प्रति लगन से अपने परिवार को ही नहीं हमारे देश को भी नाम गर्व से ऊँचा किया है। और अपना कीमती समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइव खबर की तरफ से आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन करते रहिएगा। हाय दिस इज शुभम, आई एम ईशा भंडारी, यू आर वॉचिंग लाइव खबर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।